फोर इसमें हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इट इज़ डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। क्या बोल रहा है वो, ये डिफाइन करते हैं कैसे हम वर्क डन, यानी कि वर्क डन करा किसने इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट का माने होता है वन, पॉजिटिव और चार्ज यानी कि क्यू, यानी कि वन चार्ज यानी वन कूलम का चार्ज, यानी कि वन कूलम चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी वन कूलम चार्ज को एक सपोज करिए एक पॉइंट है ए, और इसको हम यहाँ से कहीं से एक इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, इसको इस क्यू चार्ज को हम कहीं इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं इस पॉइंट ए तक। इन्फिनिटी यानी कि हमारे पास कोई डिस्टेंस हमें नोन नहीं है, तो हमने क्या बोला इन्फिनिटी से। तो ये चार्ज क्यू जो है जब इन्फिनिटी से इस पॉइंट नोन पॉइंट ए तक आएगा, तो उस पॉइंट तक आने में जो उसने वर्क डन किया दैट इज कॉल्ड वॉट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड वॉट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, क्लियर है इतना। इसको हम डिनोट करते हैं, तो पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय वी, ठीक, एंड इट स्टैंड्स फॉर बोल्ट्स, यानी कि ये किसकी ऐसा यूनिट होती है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की। अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या, हम इसी के पढ़ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि पोटेंशियल वन बोल्ट का मतलब क्या है, ठीक है। तो पोटेंशियल ऑफ वन बोल्ट एट अ पॉइंट मीन्स, अगर हम बात करें पोटेंशियल, एक बोल्ट का पोटेंशियल है तो उसका मतलब क्या होगा, पॉइंट मीन्स वन जूल, बिकॉज द वर्क डन, तो वन जूल ऑफ वर्क डन इन मूविंग वन कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। सेम डेफिनेशन है वही जैसे हमने ऊपर पढ़ी, जस्ट हमने एक वन बोल्ट के डिफाइन करा कि वन बोल्ट क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, ठीक। तो इसी में हम अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो अपना उसको हम पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पीडी, इसको हम पीडी से भी लिखते हैं। इसकी ऐसा यूनिट जो होती है वो होती है बोल्ट्स। क्यों होती है बोल्ट्स, क्योंकि इसको जो दिया था किसने, एलिजेंड्रो वोल्टा, उनके नाम पे दिए गई है वोल्ट, ठीक, एलेक्जेंड्रो वोल्टा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन करें तो क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अदर पॉइंट। कन्फ्यूज नहीं होना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में, अभी एक सेकेंड बता रहे हैं, एक्चुअली दोनों ही चीज़ें सेम ही हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ही है दोनों, पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि वन बोल्ट यानी कि एक कूलम चार्ज को जब इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाते हैं डेट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर टू पॉइंट्स के बीच में जब उसके बीच का डिफरेंस पोटेंशियल निकालेंगे दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अदर पॉइंट, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, यानी कि कितना चार्ज हमने मूव किया है, वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं वी से, वर्क डन को हम सिंबल लिखते हैं W से, एंड द चार्ज इज द Q।
तो वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, क्लियर है। और ऐसा यूनिट हमें पता है वोल्ट्स है। ये बात क्या हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस देखो, पोटेंशियल डिफरेंस यानी यहाँ से यहाँ तक, पॉजिटिव से नेगेटिव यानी हायर पोटेंशियल से लोअर। तो देखो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है ना, एक पॉजिटिव टर्मिनल के और नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ से चार्ज मूव कर रहा है जो, तो वो कहाँ दोनों डिफरेंस के बीच में कर रहा है, तो उस डिफरेंस को मेंटेन यानी उस डिफरेंस के बीच की बात को हम क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर। पोटेंशियल डिफरेंस को हम एक एग्जाम्पल्स और समझ सकते हैं जो कि मोस्टली हर बुक्स में अब ऐसे दिया हुआ है, इसको हम वाटर के एग्जाम्पल से समझते हैं, वाटर के तरीके से। सपोज करिए ये कंटेनर है मेरे पास, ठीक, और एक कंटेनर मेरे पास और है, दोनों सेम पोजीशन पे रखे हुए हैं, सेम साइज के हैं, क्लियर, एक बेस पे, सेम बेस पे रखे हुए हैं, ठीक। दोनों के बीच में कनेक्टिंग लाइन है और यहाँ पे एक वॉल्व लगा हुआ है, क्लियर। ये वाला जो कंटेनर ए है और ये बी है, बी वाला स्टार्टिंग में एम्प्टी है और ये फिल्ड है किससे, वाटर से या किसी भी लिक्विड से, तो ये फिल्ड है यहाँ तक इनिशियल पे, और यहाँ पे ये वॉल्व कैसा है, क्लोज्ड, ठीक। नेक्स्ट कंडीशन हमने क्या देखा, हमने ये दो कंटेनर जो थे, ठीक, इन दोनों के बीच का जो वॉल्व था इसको हमने कर दिया ओपन, तो यानी कि अब ये क्या हुआ, जो लिक्विड यानी जो वाटर भी था इसके अंदर वो फ्लो होने लगा इसमें, ठीक। और ये कब तक फ्लो होगा, जब तक कि ये दोनों के दोनों सेम लेवल नहीं आ जाए। दोनों को, दोनों कंटेनर कैसे हैं, आइडेंटिकल यानी सेम शेप और साइज के हैं, तो जैसे अगर ये पानी का ड्रॉप यहाँ तक हुआ तो इस वाले में भी यहाँ तक आ जाएगा, यानी कि दोनों में पोजीशन कैसी आ गई, सेम हुआ। तो क्या हुआ, यहाँ पे वाटर क्या था, हायर पोटेंशियल पे, हायर पे था वाटर, और यहाँ पे क्या था, लोअर, यहाँ पे कोई भी वाटर नहीं था। अब क्या हुआ, वाटर मूव कैसे किया हमारा, हायर से लोअर की तरफ, और कब जाके रुका, जब दोनों लेवल कैसे हो गए, सेम, कैसे हो गए, सेम। सिमिलरली जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो मेंटेन होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि सेल या फिर बैटरी में, हमारा जो सेल होता है, देखो ये सेल है ना हमारे पास, ठीक, यहाँ पे ये इसका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो क्या करते हैं, जैसे हम कनेक्ट सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, हायर पोटेंशियल से चार्ज मूव होना चालू होंगे और नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, जैसे कि वाटर जाता था, ठीक, उसी तरीके से। तो क्या होगा, कब तक मूव करेगा, जब तक ये दोनों के दोनों, देखो जैसे बीच में ये ऐसा डैश है, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएं, इक्वल ना हो जाएं, दोनों के दोनों कैसे हो जाएं, इक्वल। तो मूवमेंट कैसा होगा, हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, और इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अंतर है ना दोनों में, दोनों के पोटेंशियल्स में, तो दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस आया, तभी तो हमने बोला कि पोटेंशियल का डिफरेंस हो रहा है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, जब एक हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक जाएगा, और सेल भी हमारा तब तक यूज होता है जब तक कि ये पूरा पोटेंशियल का इक्वल ना हो जाए। जैसे ये इक्वल हो जाएगा तो हमारा सेल की क्या होता है, हम कहते हैं उसे डिस्चार्ज हो गया, यानी कि सेल की बैटरी या बैटरी या सेल फिनिश हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ ये बात। अब हम डिफाइन करेंगे कि वन वोल्ट को क्या कहते हैं, कि वन वोल्ट की डेफिनेशन को कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, तो हम वन वोल्ट को डिफाइन करेंगे, किसको करेंगे हम, वन वोल्ट। तो डेफिनेशन क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस इज, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, सॉरी, बिटवीन टू पॉइंट points is said to be a 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of electric charge from one point to the another, from one point to the another point, ठीक। जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में एक कूलम्ब को एक जूल वर्क करना पड़े, दैट इज कॉल्ड वॉट, वन वोल्ट। तो वन वोल्ट इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन, ऐसी में देखो, वोल्ट इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वन वोल्ट इज इक्वल्स टू वन जूल ऑफ वर्क डन इन ट्रांसफरिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर, ए टू बी, वन जूल ऑफ वर्क डन फॉर ट्रांसफरिंग ए चार्ज क्यू,
क्यू यानी कि वन कूलम चार्ज, ठीक, वन कूलम चार्ज, ठीक। तो वन कूलम चार्ज को पॉइंट ए से बी तक ट्रांसफर करने में जो वन जूल ऑफ वर्क डन किया, इसी को हमने क्या बोल दिया, वन वोल्ट्स। क्या बोल दिया इसको हमने, वन वोल्ट्स। फिर से एक बार सुन लो, एक कूलम चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक ट्रांसफर करने में एक जूल ऑफ वर्क लगा, उसको हमने क्या बोला, वन वोल्ट्स। क्लियर है इतना। नेक्स्ट इसी के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी पीडी, इसको हम कहते हैं पीडी या फिर वी से वोल्ट्स, ठीक, एक ही चीज़ है। इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, मेजरमेंट करने के लिए, इसको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट यूज, उसको हम बोलते हैं वोल्टमीटर। वोल्ट मीटर जैसे एमएमीटर था वैसे, इसको डिनोट करेंगे सिंबल किससे, वी से। क्लियर। नेक्स्ट, ये हमेशा कैसा लगता है, ये हमेशा लोड या फिर अप्लायंस या फिर रेजिस्टेंस के हमेशा पैरेलल में लगता है। कैसा लगता है, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। इसी को हम एक चीज और बोलते हैं शंट में, ठीक। दोनों चीजें एक ही है, जो वोल्टमीटर होता है वो हमेशा हमारा कैसा लगता है, पैरेलल में, ठीक। नेक्स्ट चीज के अंदर क्या होता है, वोल्टमीटर के पास, वोल्टमीटर के पास जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है, हैव द वेरी हाई रेजिस्टेंस, वेरी हाई। क्यों होता है रेजिस्टेंस वेरी हाई, क्योंकि जब ये करंट को यहाँ से रोकेगा तब क्या करेगा, तभी तो ये वोल्टेज को मेजर कर पाएगा, तो ये करंट को पास नहीं होने देता है। एक्चुअली देखो क्या हुआ, अगर ये करंट यहाँ से फ्लो हुआ तो ये करंट यहाँ से स्ट्रेट पाथ करेगा, और करंट हमेशा कौन सी डायरेक्शन लेता है, जहाँ से वो इजिली फ्लो कर जाए, यानी शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करने की कोशिश करता है कि वो स्ट्रेट लाइन से चला जाए। तो ये करंट इस रेजिस्टेंस से पास होने की जगह यहाँ वोल्टमीटर से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगा इसका, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसमें से करंट तो हमें पास करना नहीं है ना, हमें तो इस यहाँ से क्या देखना है, वोल्टेज ड्रॉप किसके बीच में, इस पॉइंट के ए के और बी के पॉइंट, किसके, दो रेजिस्टेंस या लोड के पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज है उसको मेजर देखना है ना। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हम रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं, और जब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे तो करंट क्या होगा, पास ही नहीं होने देगा यहाँ से, ये करंट को ब्लॉक कर देगा, और जब करंट ब्लॉक हो जाएगा यहाँ से तो करंट कहाँ से पास होगा, सिर्फ रेजिस्टेंस में से, और यहाँ से निकल जाएगा, और सिर्फ निकल जाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या हुआ, ये वोल्टमीटर क्या कर रहा है, ये करंट, इसके रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है तो ये करंट को ब्लॉक कर देगा, और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस यानी कौन से पॉइंट में, इस रेजिस्टेंस के पॉइंट ए और बी के बीच में अपना पोटेंशियल ड्रॉप या फिर पोटेंशियल डिफरेंस देखेगा, जितना भी हमें निकालना है। क्लियर है इतना, ठीक।